कभी कभी पुलिस ऐसा काम कर देती है कि देखे पर यकीन और सुने पर विश्वास नहीं होता, मगर जब सारे प्रूफ सामने हों तो यकीन करना मजबूरी बन जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिजनौर पुलिस ने, जिसने विदेशी महिलाओं का नोटों से भरा बैग उनको वापस दिलवाने में उनकी पूरी मदद की। दरअसल इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड की रहने वाली तीन बहनें सुषमा, राजकुमारी और कीर्ति इंडिया में घूमने के लिए आई थीं। वो एक ढाबे पर चाय पी रही थीं। वहीं पर तीर्थयात्रियों से भरी एक बस की सवारियां भी चाय पी रही थीं। जाते वक्त एक तीर्थयात्री इन महिलाओं का बैग अपने साथ ले गया, जिसका इनको पता भी ना चला। बैग में 2 iPhone, 10,000 pound कैश और 1,00,000 रुपए इंडिया की करेंसी के साथ साथ महिलाओं के पासपोर्ट भी रखे हुए थे। महिलाओं ने तुरंत थाने में इसकी खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से बस में सवार तीर्थयात्री से महिलाओं का बैग वापस करवा दिया। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला है। तीन विदेशी महिलाएं जो इंग्लैंड की रहने वाली थी, भारत भ्रमण पर आई हुई थी। कल कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित एक ढाबे पर लगभग 4 बजे ये लोग चाय पी रहे थे। उसी दौरान वहाँ एक टूरिस्ट बस भी खड़ी थी। टूरिस्ट बस जाते समय भूल बस इन विदेशी महिलाओं के एक बैग, जिसमें 2 iPhone, पाउंड्स, 1,00,000 भारतीय रुपए व जरूरी कागजात थे, उसको भी लेकर चले गए। विदेशी महिलाओं द्वारा तत्काल थाना कोतवाली देहात को सूचना दी गई। कोतवाली देहात पुलिस तत्काल सक्रिय होकर के उस ढाबे का CCTV कैमरा व टोल के कैमरे को चेक किया गया और उस बस का नंबर ज्ञात किया। बस के मालिक से संपर्क करके ड्राइवर का नंबर लिया गया और ड्राइवर से वार्ता करने पर पता चला कि वह उस समय छजलैंड पहुंचा हुआ है। उससे वार्ता के क्रम में कोतवाली पुलिस जा करके वहां से इन विदेशी महिलाओं का बैग ला करके इनको सुपुर्द किया, जिसमें उनका मोबाइल फ़ोन, पाउंड्स, भारतीय रुपये व जरूरी कागजात उनको मिल गए। इन लोगों ने कोतवाली देहात पुलिस की भूर भूर प्रशंसा की। थैंक यू।